फ्रेंड्स कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन डॉट ग्रो वंस अगेन। तो एक क्वेश्चन आ रहा था M30S को लेके कि हम फोन करते हैं और अपने आप स्पीकर ऑन हो जाता है, मतलब कान से लगाने से पहले ही स्पीकर अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और कई बार होता है कॉन्फिडेंशियल कॉल होती है और वो सबको सुन जाता है कौन बोल रहा है ये वो सब कुछ। अगर ये प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं स्पेशली सैमसंग की फोन से, और कोई आपका एंड्रॉयड फोन है उस पर भी कई बार मैंने क्वेश्चन सुना है, तो काफी सवाल आ रहे थे इसको लेके, तो उसका मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ। क्या सोल्यूशन है, क्या कारण है इस प्रॉब्लम का और कैसे इससे छुटकारा पाएं, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप नए चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर हम लेके आते हैं ड्रोन सेलेट सारे इन्फॉर्मेशन एंड टेक जो मैं यूज करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले देखें ये हमारा रो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास सैमसंग M30S है या कोई भी सैमसंग का फोन है या कोई एंड्रॉयड फोन है, एप्पो ओप्पो वीवो एनी फोन, और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप कॉल करते हैं, सॉरी जब आप कॉल रिसीव करते हैं तो आपका स्पीकर फोन फोन का ऑन हो जाता है और पब्लिकली सबको पता लग जाता है कि लड़के ने फोन किया, लड़की ने फोन किया, दादाजी ने फोन किया, दादी ने, किसने फोन किया है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी प्राइवेसी को सीधा सीधा झटका एक नंबर का। तो इस प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसका मैं पहले सबसे पहले बताता हूँ कारण क्या है। कारण इसका ये होता है कि फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कई बार हो सकता है कई लोग ऑटो कॉल रिकॉर्ड इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं। काफी रीजन हो सकता है उसका, मैं वो मैं नहीं जानता, बट काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं कॉल को रिकॉर्डिंग करने के लिए। और ये रिकॉर्डिंग के लिए काफी एप्स प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, और अगर आपके iOS डिवाइस है तो दोनों जगह पर, मेनली अब एंड्रॉइड की बात हो रही है तो प्ले स्टोर पे काफी एप्लीकेशंस कॉल रिकॉर्ड, ऑटो कॉल रिकॉर्ड ऐसी काफी अवेलेबल हैं, और कुछ फ्रीली भी अवेलेबल हैं। और जब आप इनको इंस्टॉल करते हैं तो इनमें कई एप्स में एक फीचर आता है जो ऑटोमेटिकली ऑन रहता है, उस फीचर का नाम है ऑटो रिकॉर्ड और ऑटो आंसर। तो वो गलती से या तो आपको मालूम नहीं होता कि वो ऑन है तो वो ऑन ही रह जाता है, या आप ओके ओके करके उसको ऑन रख देते हैं। तो उसका मेन पर्पस यही है कि अगर आप किसी चीज में बिजी हैं और आप फोन नहीं ले सकते तो आपका अपने आप रिसीव हो जाए फोन और वो आप बातचीत करने शुरू कर दें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये उसका पर्पस है बेसिकली, और काफी लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो वो ऑन रह जाता है और फिर वो एप्लीकेबल हो जाता है 2400 घंटे के लिए हर एक कॉल के ऊपर, कि जब भी कॉल आती है आपका फोन स्पीकर पर चला जाता है और वो आंसर करने लग जाता है फोन अपने आप ही। तो ये बहुत परेशानी होती है, फिर आप भूल भी जाते हैं क्योंकि आजकल इतनी ऐप्स आ गई हैं, कई बार हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है, तो आप याद करें कि आपने ऐसा कोई फीचर या ऐसे कोई एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं की। अगर नहीं की है तब मैं दूसरा कारण बताता हूँ उसका क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला कारण तो ये सीधी सीधी ऐप है। अगर आपने ऐसी कोई ऐप कॉल रिकॉर्डिंग की, वॉइस रिकॉर्डिंग की ड्यूरिंग कॉल अगर इंस्टॉल कर ली है तो या तो उसको ढंग से उसकी सेटिंग्स में जाके उसको ठीक कर लें, अगर आपको सेटिंग्स नहीं समझ आ रही हैं तो सीधा सीधा जाके उसको डिलीट मार दें। दूसरा मैं पार्ट पे आता हूँ, वो है बग। बग क्या होता है, कई बार हम कोई ऐप दूसरी करते हैं डाउनलोड, जैसे कोई गेम डाउनलोड कर ली नई, या कोई ऐप आपने आपको नहीं पता नई ऐप आई है प्ले स्टोर पे आपको अच्छी लगी आपने डाउनलोड कर ली, अब उस ऐप में कई बार बग्स होते हैं, बग्स मतलब गड़बड़े होते हैं, उस गड़बड़ की वजह से दूसरा जो सिस्टम है वो, जैसे हमारे मोबाइल फोन में काफी चीजें हैं तो वो दूसरे चीज को अफेक्ट करती है। तो उसमें से ये चीज देखने के लिए कि ये बग तो नहीं है, तब आपको सेफ मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सेफ मोड मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा मैंने कार्ड से बता दिया है कैसे सेफ मोड ऑन करना, आजकल सभी फोन में आ रहा है। सेफ मोड में जाइए और सेफ मोड में कॉल को रिसीव करिए। अगर सेफ मोड में आपके कॉल रिसीव करने पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो इसका कारण यही है कि जो ऐप आपने लेटेस्ट डाउनलोड करी है ना वो आप डिलीट कर दें, उसके कारण से ये बग आ गए आपके फोन में जो कि आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल आंसर है। तो सेफ मोड अगर ऑन करना नहीं आता है तो जाके मेरा वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो काफी कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको सोल्यूशन मिल गया, पहला आपने ऑटो कॉल रिकॉर्ड जैसी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग वाली अगर ऐप का रखी है तो उसको डिलीट मारें, दूसरा कोई बग नहीं है, कोई बग तो नहीं आ गया किसी ऐप के कारण, अगर आ गया तो सेफ मोड में जाके चेक करें और उसको डिलीट मारें। That's it. इसके बाद आपके फोन का ये जो ऑटो स्पीकर ऑन हो जाता है वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर दें, यहाँ तक आपने देख ही लिया, और सब्सक्राइब जरूर मारें, और क्योंकि चैनल में लेके आते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन एंड टेक जो मैं यूज करता रहता हूँ। आई लव टू शेयर माई इन्फॉर्मेशन
एंड इसको शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ये सोल्यूशन मिले। और इसके अलावा कोई भी आपकी प्रॉब्लम है फोन को लेके या कोई भी टेक को लेके, क्वेश्चन है, क्वेरी है, ड्रोन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप डालें कमेंट बॉक्स में, आपके लिए है। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं सीधा मेरे पास पहुंचता है, मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और हो सकता है टाइम मिलता तो मैं उस टाइम रिप्लाई भी करता हूं। और बहुत ज़्यादा तादाद में एक जैसे कमेंट आ रहे हो तो उन पर डेफिनेटली वीडियो भी बनता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, स्टे हेल्दी, कीप रॉकिंग।